ईडी का रेड कई जगहों पर हुआ और ये जानकारी दी जा रही है कि 600 करोड़ और तेजस्वी के यहाँ से खजाना जो है वो मिला है। कहीं से घुसा दे रही है क्योंकि पहली बात सुन लो यार। अरे बोलने दो ना, आपस में मीडिया वाले मत लड़िए। चलिए ले लो, लेके चलो। जिस दिन फोटो लेने दो, सरकार बनी उस दिन भी छापे पड़े थे। क्रोनोलॉजी समझिए, जो अमित शाह जी क्रोनोलॉजी समझाते हैं वो क्रोनोलॉजी जो है वो समझने की ज़रूरत है। जिस दिन सरकार बनी ट्रस्ट वोट था उस दिन भी छापे पड़ रहे थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1,00,000 करोड़ या 2017 चलिए 8,000 करोड़ बेनामी संपत्तियां इनकम टैक्स ईडी सीबीआई सारी जांच संस्थाने लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहां गया वो संपत्ति, कहां गए वो 1,000 करोड़ों? कौन लोग ईडी अलगा अलगा के भाषण देता था फिर, मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। अब एक ही बात बार बार ठीक नहीं लगता। इस बार फिर 600 करोड़ तेजस्वी के यहाँ से खजाना, ठेंगा मिला तेजस्वी के यहाँ से, ठेंगा। पंचनामा दिखाओ, नहीं तो हम दिखा दें। बदनाम करने की राजनीति हद होती है, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया, तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, फाक खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहनों के यहाँ कई ऐसी बहन जो राजनीति में हैं भी नहीं, उनके यहाँ भी छापा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये लोग जो लोग हैं पूरी तरीके से फर्जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं, और हम लोग जो हैं रियल पब्लिक साइंस वाले लोग हैं, असल समाजवादी लोग हैं। इनके डराने से झुकाने से हम लोग झुकने वाले एकदम नहीं हैं। इनकी षड्यंत्र, नकारात्मक राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन मेरे पास है और ज़मीर मेरे पास है और विचार मेरे पास है। और क्या दिखा रहे आप बताइए, मेरी बहनों के यहाँ अगर छापा पड़ा तो बहन भी रहती है, उनकी सास भी रहती है, उनकी ननद भी रहती है, उनके हाथ का कंगन, कान का, पहनने का श्रृंगार का, नाक का श्रृंगार का, पैर का श्रृंगार का इकट्ठा करके फोटो, यूज्ड ज्वेलरी का फोटो खींच करके ईडी जो है लगा रही है। बताइए कितना शोभनीय है। अब आपके घर में भी माँ बहन भाभी सब रहता होगा क्या, वो कान में नहीं पहनती हैं? अब 4-5 जगह मारिएगा और वहाँ 8-10 की संख्या में, 15 की संख्या में महिलाएं होंगी, उनका उतरवा करके फोटो खिंचवा लीजिएगा और कहिएगा कि इतना किलो सोना मिला। अरे भाई, मेरी बहन अच्छे परिवार में ब्याह दी गई, और ज़्यादातर बहनों जिनके यहाँ छापा पड़ा, ज़्यादातर बहनें वो थीं जो 2012 के बाद ब्याहीं,
यानी रेलवे टर्म से किसी को लेना देना नहीं। लालू जी 2005-4 से 9 तक ज़्यादातर बहनों की मेरी शादी जो है चौथे नंबर की, पांचवी नंबर की, छठी नंबर की, सातवीं नंबर की बहनों की शादी 2012 के बाद हुई। अच्छे खासे परिवार में है, उनका व्यापार है, उनके यहाँ जा कर के अगर घर खर्च का पैसा मिलता है, आप समझे 24-25 जगह छापा मारा, हर जगह 1-2 लाख भी मिलेगा तो 50 लाख तो ऐसे ही हो गया। उससे ज़्यादा तो गिरिराज सिंह जी क्या जो चोरी हुआ था उससे ज़्यादा पैसा तो वहाँ था, करोड़ों की रकम में। तो इस तरह का भयावक न्यूज़ प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चालू किया गया कि सीबीआई ईडी के रेडों को सही ठहराया जाए। तो हम लोग डरने वाले लोग हैं नहीं, इनको जो करना है कहना है ये करते रहें। इसलिए हम लोग यहाँ वापस पटना अभी हम लौटे हैं, और आप लोग सब लोग जान रहे हैं मेरी जो धर्मपत्नी है, आखिरी महीना चल रहा है और हमेशा आखिरी महीने में उनको सेहत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर उनका रेगुलर हाई रहता है। और ये सीबीआई वाले ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका ख़त्म हो गया, बाकी सारा टाइम ही बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, आप क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा तो चले जाएंगे, बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज़ चलता रहे। अब आप बताइए ये स्थिति है, अब इस पर हम क्या कहें? न्यूज़ लोगों कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं, अदानी हम ही हैं क्या? इस 80,000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज़्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में, सारी एजेंसियाँ हमारे पीछे लगी होगी। 80,000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला, सब गायब हो गया, भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था, असल में बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पगला गई भाजपा, उसी टाइम सरेंडर कर दी थी, कर दे दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े हम, जीते कई मुकदमा। अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती है। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, ज़रा पूछेगा ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज़ चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ? जो हम बोले वो सच था कि नहीं था, निकला कि नहीं निकला सच? ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म, शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे? और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद मियाँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।